इस बार आपके क्षेत्र में क्या लगता है कि बहुत आसानी से आप जीत रही हैं या मेहनत करने की जरूरत है? जिस तरह हम मेहनत भी कर रहे हैं और मैं मढ़ियान विधानसभा की बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ और माँ भी हूँ, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जीत रही हूँ और प्रियंका दीदी का पूरा आशीर्वाद है मेरे ऊपर। आप समूह भी चलाती हैं, कई हजार महिलाएं आपके साथ रहती हैं, लोगों का विश्वास आप पे जीता है, आपको लगता है कि किन मुद्दों पर आप बेहतर चुनाव लड़ पाएंगे? सब जैसे कि महिलाओं का शोषण हो रहा है और बेरोजगारी है और शिक्षा है और पानी का भी साधन नहीं है हमारे मढ़ियान विधानसभा में, इसी मुद्दे को लेकर के हम लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि जो है मतदाता आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी ताकि मतदाता आपकी तरफ आकर्षित हो और वोटिंग कर सके, क्या अपील करेंगे? जी मैं यही अपील कर रही हूँ कि जैसे मढ़ियान विधानसभा में कुछ विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हमें मढ़ियान विधानसभा में हम घूम रहे हैं और सब लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, गरीब घर की मैं लड़की हूँ। ठीक है सर, ये बताएं कि मढ़ियान विधानसभा कांग्रेसियों का गढ़ रहा है, आपको लगता है कि इस बार पुनः आप वो किला जीत पाएंगे? बिल्कुल, पूरा विश्वास है। इस बार हम लोग प्रियंका जी का आशीर्वाद से, जिस तरीके से एक प्रत्याशी का चयन किया गया है, एक गरीब घर की बेटी जो झोपड़ी में रहती है, और सबसे बड़ी बात कि धन्यवाद देना चाहूँगा पुनः प्रियंका गांधी जी को और वहाँ की समस्त इनकी साथी सखियों को, जिन्होंने आप सोचिए कि नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए उन्होंने चंदा इकट्ठा करके इनको दिया, तो आप खुद सोचिए कि कैसा वेव एक चल निकला है कांग्रेस के पक्ष में। ऐसे प्रत्याशी को जो सिलेक्शन के पीछे क्या सोच कर रही है, क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी? भैया, जो प्रियंका जी की एक सोच थी कि लड़कियों हूँ लड़ सकती हूँ, और उसी को चरितार्थ थी, खुद कर रही है समूह के बीच में काम कर रही, महिलाओं के बीच में काम कर रही, और उन्हें रोजगार से जोड़ने का और उन्हें संघर्ष करने का रास्ता इन लोग मिलजुल के दिखा रहे हैं। एक यही एक बहुत बड़ी शक्ति इन लोगों के बीच में हमारे कांग्रेस प्रत्याशी के पीछे। आप थोड़ा देर के जैसा शांत हो जाइए, प्रत्याशी दो प्रस्तावक तीन लोग जाएंगे। आप किस प्रस्ताव में? एक मिनट, एक मिनट, अब यार कहाँ है नो, कहाँ है वाइट लाइन का, कहाँ है?